नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी लखीमपुर के 3 टर्म के विधायक की गई हत्या की, जबकि परिवार का आरोप है कि यह हत्या पीट पीट कर की गई है। साथ ही ये भी बात होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश ने 12वें पायदान से दूसरे पायदान की छलांग लगाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और साथ साथ अयोध्या का क्या होने वाला है मास्टर प्लान। तो चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। लखीमपुर के निघासन से विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी हुई है, लेकिन आज दिन में उनकी हत्या हो गई। यह घटना तब घटी जब एक जमीन की विवाद को लेकर के वो अपने बेटों के साथ उस जमीन पर पहुंचे थे, जबकि दूसरी तरफ से दबंगों का एक पूरा हुजूम था। कहा यह जा रहा है कि उस जगह पर उनकी दबंगों के साथ आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद वहां पर हंगामा और मारपीट की नौबत आ गई। घायल बेटे ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने पीट पीट कर उनके पिता की हत्या कर दी है, जबकि पुलिस की तरफ से आई प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि उस हंगामे के स्थल पर उनकी गिरने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त निर्वेंद्र कुमार मिश्र की मौत एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण इस सरकार के निशाने पर हैं, और यही वजह है कि इस घटना से सरकार सकते में भी है और दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भले ही चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। पहले अगस्त में सरकार को रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई, और अब केंद्र सरकार ने जो रेटिंग जारी की है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने 12वें से पायदान से दूसरे पायदान तक की छलांग लगाई है, यानी कि 10 पायदान उत्तर प्रदेश ऊपर चढ़ा है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश 12वें पायदान पर था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने जो रेटिंग जारी की है उसमें इस बार आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। तेलंगाना नंबर 2 पर था, जो खिसक कर नंबर 3 पर आया है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल सरकार ने अपने जिलों की जिलेवार रैंकिंग की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के, साथ साथ निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम किया था, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए इन लोगों ने NOC देने का कार्यक्रम चलाया है, साथ साथ प्लॉट आवंटन के लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की है, और आखिरी तौर पर पॉल्यूशन, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी, इन चीजों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन से अब सहूलियत हो रही है। और शायद यही 4-5 ऐसे बड़े कदम हैं जिसकी वजह से योगी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें पायदान से दूसरे पायदान तक पहुंच गई है, और ये यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोविड किट की खरीदारी पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है और योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। दरअसल हर ब्लॉक, हर गांव में थर्मल स्कैनर और साथ साथ ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ों की खरीद की गई थी, और जिसे अलग अलग जिलों में अलग अलग दामों पर खरीदा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रायबरेली में इसका दाम 3000 से ज़्यादा है, झांसी में कहीं 4000 से ज़्यादा पैसे में इसे खरीदा गया, बाराबंकी में इसके अलग दाम मिले। कुल मिलाकर के कई पॉलिटिकल पार्टियां अब सरकार पर ये सवाल उठा रही हैं कि कोविड के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारी इसे औने पौने दाम में खरीद रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए इसे अपने सबसे ऊपर के एजेंडे में रखा है। हालांकि सरकार का कहना है कि जिले स्तर पर और खास करके गांव और ब्लॉक के स्तर पर इसे खरीदा जा रहा है, और पहले एक निश्चित दाम नहीं होने की वजह से कई जिलों में अलग अलग दामों पर इसे खरीदा गया, लेकिन अब पार्टियां इसे मुद्दा जरूर बना रही हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। राम मंदिर के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है, और सोमवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है
कि वो आखिरी तौर पर जायजा लेंगे और उसके बाद मंदिर निर्माण का औपचारिक काम शुरू हो जाएगा। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1200 ऐसे जगहों पर मंदिर परिसर के भीतर खुदाई की जाएगी जहां से मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। L&T जो कंपनी इसे बना रही है उसकी तमाम भारी भरकम मशीनें पहुंचने लगी हैं और अब मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर अयोध्या में एक तरफ मंदिर निर्माण चलता रहेगा, साथ साथ अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने की भी तैयारी चल रही है। सोलर सिटी बनाने की तैयारी है और साथ साथ जो अयोध्या का एयरपोर्ट है श्रीराम एयरपोर्ट, उसके लिए भी जमीन आखिरी चरण में है, जमीन का अधिग्रहण। इसके अलावा अयोध्या को और कितना बेहतर बनाया जाए इस पर एक बड़ी चर्चा भी होने वाली है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद का सरकारी कोविड अस्पताल TMU अब सुसाइड का हॉस्पिटल बनता जा रहा है। 5 सितंबर को एक पुलिस कांस्टेबल ने कोविड अस्पताल के 5वें तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली है। 19 अगस्त को 28 साल की सविता नाम की एक लड़की ने वहां से कूदकर हत्या की थी। फिर एक 22 साल के बैंक मैनेजर ने 28 अगस्त को तीसरे तल्ले से छलांग लगाकर इसी TMU अस्पताल से आत्महत्या की थी और 5 सितंबर को एक पुलिस कांस्टेबल ने भी कोविड पॉजिटिव रहते हुए इस अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पूरे प्रदेश में ये इकलौता ऐसा जिला और उसका कोविड अस्पताल है जहां 3 लोगों ने अभी तक अपनी आत्महत्या की है। अभी तक ये समझ के परे है कि आखिर इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सरकारी हॉस्पिटल के हालात बेहाल हैं और मरीज इससे परेशान होकर आत्महत्या को अंजाम दे रहे हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ इन दिनों सरकार का अभियान चल रहा है। अतीक अहमद के साढ़ू इमरान के अवैध घर को सरकार ने बुलडोजर से डेमोलिश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब बिकरूकांड के विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के परिवार वालों को भी अब समन भेजे जा रहे हैं। बकायदा जय के परिवार के 3 मकान को फिलहाल सरकार ने सील कर लिया है क्योंकि उन पर अवैध संपत्तियों को अचल संपत्ति में बदलने का आरोप था और साथ साथ इसे विकास दुबे का दाहिना हाथ कहा जाता है। कुल मिलाकर परिवार इस बात को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके संपत्तियों को जब्त न किया जाए, लेकिन आज उनकी 3 संपत्तियों को सरकार ने सील कर लिया है। चलते हैं हम अपने आखिरी खबर की तरफ और अब कोरोना से जुड़ी खबरें। बांदा के जेल के 54 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर बरेली के जिलाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है और पूरे प्रदेश और लखनऊ में ये रिकॉर्ड गति से हर दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज शो आज का UP। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक आप देखते रहिए UP तक।